मैं पूर्व सिंह और हरियाणा चुनावी यात्रा में हम आ चुके हैं घरोंडा विधानसभा में। करनाल जिले में पड़ती है ये विधानसभा। यहाँ से हरविंदर कल्याण विधायक हैं और इस बार बीजेपी से भी उनको टिकट मिली है। तो यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक ने यहाँ पर कितना काम किया है, मनोहर लाल खट्टर ने कितना काम किया है और क्या क्या प्रभाव हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम निशांत राणा है, गाँव ऊंचा सवाना से मैं सरपंच हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी तो गांव की सेवा में, गांव वालों ने 5 साल का मुझे मौका दिया है गांव की सेवा के लिए, तो अभी मैं गांव के सरपंची में ही वो कर रहा हूँ। अच्छा, तो विधायक जो हैं यहाँ से हरविंदर कल्याण, उन्होंने कितना काम किया है इस क्षेत्र में? देखिए, विधायक हरविंदर कल्याण जी ने यहाँ पर इतनी भी मूलभूत सुविधाओं पर आज तक जो काम नहीं हो पाया था उन पर उन्होंने काम किया, वर्क करके उन समस्याओं को दूर किया है। जैसे छोटी छोटी सी, ऐसी बहुत बड़े काम हैं जो मैं अभी थोड़ा बहुत आपको गिनवाना चाहूँ कि पूरे हर इंडिया में दूसरे नंबर पर एनसीसी की एकेडमी घरोंडा में है। यहाँ से कल्पना चावला जो कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, वो घरोंडा में वो लेके आए हैं। साथ में यहाँ पर जो आईआईटी बस्ताड़ा में हरविंदर कल्याण जी ने बनवाई है। तीसरा, अभी यहाँ हमारे यहाँ पर ये देख रहे होंगे आपकी डबल पुल, पूरा 6 लेन आते ही यहाँ पे 4 लेन हो जाता है। इसका 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो चुका है और ये यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी जिसको हरविंदर कल्याण जी ने पूरा कराया है। अभी दिसंबर में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है। तो ऐसे ऐसे बहुत जो जिनसे लोगों को दिक्कत होती थी, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु मरते थे और होता था यहाँ, लेकिन वो हरविंदर कल्याण जी ने वो ठीक करा के वो दूर कराई है समस्या। अच्छा, नमस्कार, आपका नाम? जयवीर गोस्वामी। आप क्या करते हैं? शॉप है जी, पक्के। अच्छा, तो विधायक बताया अभी उन्होंने काम किया है, तो काम किया है विधायक? काम किया है जी। अच्छा, जैसे पूरे का ताजी मारा था मैं तो, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे जी। अच्छा, ये किया जी काम। अच्छा अच्छा, तो इस बार भाजपा ने नारा दिया है 75 पार का, तो क्या लगता है कितनी ज़्यादा मजबूत है? 80 पार करेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। और विपक्ष कह रही है, विपक्ष के आरोप? विपक्ष का तो काम होता है जी कहना। अच्छा, 370 का कितना प्रभाव है यहाँ पर? 370 का तो कुछ बहुत ज़्यादा जी प्रभाव है। बहुत ज़्यादा क्यों है प्रभाव यहाँ पर? क्योंकि जी उनको मान्यता मिल गई जी। अच्छा, अच्छा, मेरे को जी। अच्छा, विपक्ष का आरोप है कि इस बार जो चुनाव है वो 370 के उस पे लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे। विपक्ष ने तो लुवाई थी जी 370। अच्छा, हाँ, कांग्रेस हटाना चाहती थी, कभी भी हटा सकती थी जिसको, 40 साल राज किया उनने, इसने 10 साल में काम कर दिया वो। अच्छा, सरकार कह रही है नौकरियां बहुत मिली है, नौकरियां मिली हैं? हाँ, काफ़ी मिली है मैम, नौकरियां तो बहुत ज़्यादा मिली है। आपके यहाँ आसपास किसी? हाँ, बिल्कुल मिली है जी, मेरा बिल्कुल देखो है, जो फैमिली कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है, नौकरी मिल जाएगी, नो रिश्वत नो कोई सिस्टम है, फिर भी नौकरियाँ मिल रही है, तो पढ़ने लिखने के बेस पर ही मिल रही है सारे बच्चे में काबिलियत, वो रुकेगा नहीं, वो लगेगा बीजेपी सरकार में लगेगा, अगर बच्चे के अंदर काबिलियत है तो वो रुक नहीं पाएगा, वो नौकरी जरूर लगेगा। तो कितना काम किया है भाजपा सरकार ने? काम तो पहले था बहुत ज़्यादा हुआ, जितना काम हुआ है कि हमारी नॉलेज के हिसाब से पहले किसी सरकार ने काम ही नहीं किया हुआ। छोटे सरकार ने काम नहीं किया था? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं किया जी, घरोंडा में काम नहीं हुआ। नहीं, इस क्षेत्र में वो तो रोहतक की सीमित रहे हैं जी, और आप घरोंडा में हमारी नॉलेज के हिसाब से इतना काम हुआ कि पहले कभी हमने देखा ही नहीं था वहाँ। अच्छा, सड़कें वगैरह सब बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्षेत्रवाद हावी है यहाँ पर? नहीं नहीं है। कास्ट पॉलिटिक्स? कास्ट पॉलिटिक्स, जाति का कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, नमस्कार, आपका नाम? कृष्ण गर्ग। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? प्रसादी की शॉप है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार का, किसकी सरकार आएगी हरियाणा में? बीजेपी की। अभी बीजेपी की, और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र निकाला है 10 तारीख को और कहा है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेगी और अन्य जो है जो काम ही इन्होंने किया वो काम वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो नहीं कर सकती हैं, भाजपा ने काम किया है। अच्छा, तो हम मौजूद थे घरोंडा विधानसभा में और सब कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किया है। जाहिर सी बात है कि CM का क्षेत्र है करनाल, और आप देख रहे थे हरियाणा के चुनावी विसात घरोंडा से। नमस्कार।